नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या लोकसभा आराम से चल पाएगी? प्रधानमंत्री या थोड़े विनम्र तो दिखाई दिए, या प्रेशर था कि सामने राहुल गांधी समेत इतने ज्यादा सांसदों की फौज बैठी हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं था कि इस हाउस में, जहां मैं नारा लगा रहा था कि अब की बार 400 पार, और ये सीन देखने को मिल जाएगा कि बाहर इतने सारे सांसद उनके विरोध में खड़े होंगे, बैठे होंगे। बड़े झुक के आज उन्होंने राहुल गांधी को नमस्ते की। सारे इंडिया गठबंधन के हाथ, लोगों के हाथ में वो संविधान था। मतलब अच्छी बात ये कि शुरुआत संविधान से हुई। ये बात अलग है कि इस सदन में कई सारे ऐसे लोग आ गए हैं चुनके जो संविधान को तोड़कर इस सदन तक पहुंचे हैं। कई पे गंभीर मुकदमे हैं। संघ चाहता है कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हो, पता चले कि साहब कितने पानी में हैं। इस बीच में जेपी नड्डा जी को, जो बड़े दीवाने रहते हैं मोदी जी के, जिन्होंने मोदी जी को देवताओं का देवता कहा था, उनको राज्यसभा में नेता सदन बना दिया गया। क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव सिर पर है और दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजी हुई है। संघ के नेता गुस्से में हैं और संघ कुछ भी गुल खिला सकता है। योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े होने को संघ तैयार हो गया है। तमाम राजनीति की बातों के लिए चलते हैं नागपुर। राजीव रंजन जी से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। स्वागत है राजीव भाई आपका। राज संविधान की गूंज होती रही कल, जब आपने देखा पार्लियामेंट शुरू हुई तो उससे पहले इंडिया गठबंधन के लोग संविधान हाथ में लेकर आए थे, प्रधानमंत्री जी को दिखा रहे थे कि ये संविधान है, इससे दाएं बाएं आप नहीं होंगे। प्रधानमंत्री खड़े हुए तो भी संविधान के लोग हाथ में लिए हुए थे, और जब धर्मेंद्र प्रधान आए तो नीट 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 के नारे लगने लगे। ये हाउस की जो इब्तदाई इश्क है अभी रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? ये शेर नजर आ रहा था आज। क्या लगता है आपको, ये लोकसभा कैसे चलने वाली है? देखिए, बड़ी मजेदार लोकसभा रहने वाली है और ये वाकई में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को शो करता है जो अभी सदन की संख्या जो आई है। नहीं तो पिछले 10 साल में तो हमने देखा एक तरफा बैटिंग हो रही थी और अपोजिशन जो है इट वॉज रनिंग फॉर कवर रादर देन रूलिंग पार्टी। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हमको देखने को मिलेगा कि सदन में हर बात पे जो है सत्ता पक्ष को कटघरे में रखा जाएगा, जहां जहां वो अपने सीमाओं को लांघने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूरा का पूरा हमारा जो डेमोक्रेसी है ये बड़ी खूबसूरती से जो है डिविजन ऑफ पावर के बीच में बटा हुआ है, और पिछले 10 सालों में हमने जैसे देखा कि ये डिविजन ऑफ पावर्स जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इनके बीच में थी, उसको किसी किस तरीके से एक एक करके जो है वो ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। और इससे सिर्फ विधायिका जो है, तो संसद जो है वही अछूती नहीं थी, बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पे भी बहुत ज्यादा उसके गंभीर परिणाम हो रहे। तो ये जो आज सदन शुरू हुआ है और जिस तरीके से नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संविधान की प्रतियों को लेकर और जिस तरीके से लहराते हुए प्रधानमंत्री को जो एक इशारा किया है, वो ये किया है कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका ये प्रथम दायित्व बनता है कि आप अपने कार्यों को, अपने आप को संविधान की मर्यादाओं में रखते हुए इस देश के विकास के लिए काम कीजिए, ना कि विपक्ष को खंड खंड रूप में विभाजित करने का प्रयास करते रहिए। पाठशाला ये पूरे 10 साल इतनी अच्छी इनको मेजोरिटी मिली थी एनडीए को और बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी को खास तौर पे, कि ये बहुत ही अच्छे विकास के कार्य कर सकते थे इस देश के लिए। आपको संजय जी ये जान के आश्चर्य होगा, मैं आपको एक दो नंबर्स देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि इस देश में हो क्या रहा है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जब से 2014 से मोदी जी आए हैं हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो बाहर का दौरा है, इसलिए इतना करते हैं क्योंकि ये विदेशों से पूंजी ला रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रहा है। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि FY24 में, यानी जो अभी मार्च में खत्म हुआ, March 31, 2024 को, इंडिया के अंदर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने 41 ईयर्स 41 साल के सबसे निचले कगार पे, सिर्फ $9.8 बिलियन का FDI इंडिया में हुआ, ठीक है। और वहीं एक दूसरा आंकड़ा देते, इंडिया के अंदर में इंडिया
वर्ल्ड में टॉप नंबर पे देश है, पहला देश है जहां पर भारत से बाहर गए हुए कर्मचारी जो है, जो भारत के लोग जो है जो अपने देश में पैसा भेजते हैं, चाहे वो गल्फ में काम करके हो, मजदूरी करके हो, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाई प्रिसीशन वर्क करके हो, वो $125 बिलियन है देश में। FDI $9.8 बिलियन और जो भारत के लोग इंडिया में पैसे भेज रहे हैं वो $125 बिलियन है। यदि 80 रुपए का मैं एक डॉलर पकड़ूं तो 10 लाख करोड़ भारतीयों ने बाहर जो काम कर रहे हैं, ऐसे भारतीयों ने 10 लाख करोड़ रुपए देश में भेजा है 2023 में। आप इस बात को समझिए। तो नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में क्या हुआ है, ना तो हम पूंजी को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाए हैं, FDI नीचे की तरफ जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत आज की डेट में विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इंसानों का। हम लोगों को निर्यात करते हैं, हमारा सबसे बड़ा निर्यात क्या है, ह्यूमन पावर। हम $125 बिलियन का कमाई कर रहे हैं हर साल सिर्फ अपने लोगों को बाहर भेज के, और वो जो रेसिपिएंट मनी है, जो वो पैसा भेजते हैं और जो हम रिसीव करते हैं, वो $125 बिलियन है। इसलिए विदेशों में इंडिया के लोगों के यदि मानवाधिकार के साथ में खिलवाड़ होता है तो भी उसकी किसी तरीके की सुनवाई नहीं है, क्योंकि nobody wants to spoil this apple cart। ये जो इतना पैसा आ रहा है, ये पैसा का फ्लो रुक जाएगा यदि हम जरा भी ना नुकुर करें। और वहीं हम दूसरी तरफ मोदी भक्तों को ये बोलते हुए सुन रहे कि इंडिया एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। भैया कैसे सुपर पावर, जब आप नौकरों की सप्लाई कर रहे हैं वर्ल्ड को, क्या नौकर कभी मालिक बन सकते हैं? भले ही वो हाई प्रोफाइल वर्क आप बोलो कि IT है, ये है, भाई वो भी जो है वो एक नौकर कहीं काम कर रहे हैं गोरों के। तो आप जो है एक मिथ्या, एक फॉल्स ईगो में जो जी रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा जो इस BJP गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग जो आइडेंटिटी क्राइसिस में से जूझ रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है यदि कोई कहता है कि इंडिया सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, दे फील वेरी गुड, और वो सॉफ्ट पावर मतलब वो उस तरफ में बढ़ जाते हैं। परंतु आप थोड़े ठंडे दिमाग से आप लोग सोचिए, क्या आप लोग यदि बाहर जाके काम करने जाते हैं तो क्या आपकी वो इज्जत रह सकती है जो आप अपने देश में रह के काम करें और देश में मनी को अट्रैक्ट करें? आज फॉरनर्स इंडिया में पैसा नहीं लगा रहे, FDI डिक्लाइन हो रहा है, पर हमारे भारत के लोग छोड़ छोड़ के भारत भाग के विदेशों में काम करें। तो अभी जो आने वाला जो संसद सत्र है, इसमें मैं ये चाहूंगा और इस देश की जनता ये चाहेगी कि हम गवर्नेंस पे ध्यान दें, हम ये ध्यान दें। देखिए गोदी मीडिया में अब चलना शुरू हो गया है कि कैसे नीट का पेपर जो है उसका लीक साइबर हैकिंग के द्वारा हुआ है और उसमें विदेशी ताकतों का हाथ। तो यार यदि आप तरीके से अपनी साइबर बाउंड्रीज को सेव नहीं कर पा रहे हो और हर चीज में विदेशी ताकतों का विदेशी एंगल को आप दे दो, तो ये तो मतलब हास्यास्पद है। यू आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज योर ओन होम और आप बात बात में विदेशी ताकतों को ले आते हो। तो ये विदेशी ताकतों को लेके आना और ये बार बार इस तरीके की बातें करना, मुझे लगता है कि आने वाले सदन में एक स्ट्रांग अपोजिशन जो है, जो एक स्ट्रांग विपक्ष है, वो इस सरकार को एक सीमा में बांधेगा और उसको विवश करेगा कि वो गवर्नेंस पे ध्यान दे, पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान। जी संजय जी, आप बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, वहां तो ब्रिटेन में सबसे पैसे वाले हिंदुजा जी वो फंस गए, वो बाहर के नौकरों के चक्कर में फंस गए, 4.5 साल की सजा हो गई। मामला क्या है पूरा बताएंगे जरा राजीव जी अपने दर्शकों को? डिस्पेकेबल, अभॉरेबल, डिटेस्टेबल, जितने कड़े वर्ड यूज किए जाए, जितना निंदा किया जाए उतना कम है। एक ऐसा परिवार जिसका नेटवर्थ $48 बिलियन का है, यानी 80 रुपए पकड़े तो लगभग 4 लाख करोड़ का इनका नेटवर्थ है, जो कि मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का बजट होता है उतना सिर्फ एक परिवार का नेटवर्थ है। और ये परिवार के लोग जहां पर एक दिन का काम करने का आपको स्विस फ्रैंक में, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में घटना हुई। देखिए ये भी बहुत मजेदार चीज है, हिंदुजा जी है भारतीय मूल के, निवासी हैं वो ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के, और ये जो पूरी सजा सुनाई गई है ये सुनाई गई है स्विट्जरलैंड में, क्योंकि उनका मेंशन जो था वो स्विट्जरलैंड में था, जहां पे
कुछ भारतीय मूल के भारतीय लोगों को ले जाके नौकरों का काम करवाया जाता और उनके पासपोर्ट रख लिए गए। और उस देश का कानून ये बोलता है स्विट्जरलैंड का कि आपको फ्रैंक स्विस फ्रैंक में सैलरी देनी है जो भी उस देश में काम करेगा, तो ताकि ये नौकर वहां से भागे नहीं, पहले तो पासपोर्ट रख लिया, दूसरा उनको स्विस फ्रैंक में पेमेंट ना करते हुए उनको इंडियन रुपीज में पेमेंट किया जाता, जहां एक दिन में उनको जो पैसे जो देना चाहिए था हर घंटे का कुछ $22 के आसपास है मेरे ख्याल से, वो इन लोगों को $8 दिया जाता, $22 या $32 है। तो यानी आप सोचिए कि ये इतना बड़ा कंजड़ापन, इतनी कंजूसी, ये अगर कोई छोटा आदमी करता तो समझ में आता, भाई यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन के सबसे रईस परिवार के लोग जो हैं, वो जो उचित लेबर का कॉस्ट दिया जाना चाहिए वो उचित लेबर का कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, वो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं पासपोर्ट रख के, वो 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं अपने नौकरों से, और उसके बाद में वो धमकी दे रहे हैं कि भाई आप कहीं जाके कंप्लेन नहीं करेंगे। ये स्विट्जरलैंड ने, स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने पूरे भारतवर्ष के पूंजीपतियों को एक आईना दिखाया है कि आपको अपने देश में जो करना है वो कीजिए, परंतु यदि आप हमारी धरती पे उतरकर किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस बुढ़ापे में 4.5 साल की सजा जो है वो हिंदुजा जी अब 4.5 साल स्विट्जरलैंड की जेल में काटेंगे, उनकी बीवी काटेगी, 4 साल उनकी बहू काटेगी और उनका बेटा काटेगा। आप सोचिए इतनी जग हसाई जो है भारत के किसी भी पूंजीपति का नहीं हुआ विश्व में, और भारत जो है एक मजाक का पात्र बन गया सिर्फ इन लोगों की बेवकूफी के कारण कि आप भारत से जाके, भारत में गरीब गुरबा लोग रहते हैं, आप वहां से लोगों को लेके जाइए और उनका शोषण दोहन कीजिए और आपके साथ में कोई भी कार्रवाई नहीं हो। यदि स्विस कोर्ट के और स्विट्जरलैंड सरकार की अनुसरण यदि भारतीय सरकार और भारतीय कोर्ट करे तो ना जाने कितने पूंजीपति आज जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर तो बात बात पे लोगों के मानवाधिकारों के साथ का उल्लंघन करना एक आम बात हो गई है। कर्मचारियों को आप 8 घंटे के बदले 12-12 घंटे काम कराते हैं, और एक महानुभव है नारायण मूर्ति जो अपने पोते के होते से ही, जो है नाती के होते से ही उसको लाखों मिलियन डॉलर के शेयर जो है गिफ्ट कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो हमारे बच्चों को बोलते हैं कि आप लोगों को जो है दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम करना चाहिए और अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि आपके पास में काम है। तो इस तरीके से भारत के पूंजीपति जो है जो दिखा रहे हैं, भारत के पूंजीपति जो है वो एक रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरीके की निम्न सोच है उनकी, किस तरीके की संकुचित मानसिकता है उनकी, और ये हिंदुजा का जो केस सामने आया है ये उसी को प्रकट करता। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में कहा था संजय जी, क्यों नहीं ये बात बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया, ये बहुत दुख की बात और कड़वी बात है कि इंडिया आज की डेट में यदि सबसे ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करता है तो वो है उसका अपना ह्यूमन पावर, मैन पावर। इसीलिए हमारे लोग इसराइल में मरने के लिए चले जाते हैं, इसलिए हमारे लोग यूक्रेन में मरने के लिए तैयार है, हमारे लोग रूस में मरने के लिए तैयार है, यहाँ पे मानव अधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और यही कारण कि बड़े मजे से नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो स्थायित्व वाले जॉब को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आ रही है, एक एक करके हम देख रहे हैं सारी सरकारी पदों पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बहाली हो रही है, खुद 5 साल मांगते हैं और देश के नौजवानों को अग्निवीर के द्वारा 4 साल दिए जा रहे हैं, और इस देश की जनता जो है वो सड़क पे नहीं उतर रही है, ये इसीलिए क्योंकि हमको एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना में डाल दिया गया है और हमारे कॉन्फिडेंस को इतना नीचे कर दिया गया है कि यदि बताया जा रहा है कि यदि तुम्हारे पास नौकरी भी है तो अपने आप को भाग्यवान समझ, क्योंकि इस देश में तो नौकरी पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पूंजीपतियों को एक चीज सबक लेनी चाहिए हिंदुजा के इस इंसिडेंट से, और देर आए दुरुस्त है, जितनी जल्दी अपने हरकतों को सुधार लेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। जी संजय जी, राजीव जी, एक खबर और आई थी कि भारत में करोड़पति लोगों के छोड़ने की संख्या बढ़ रही है, हर साल हिंदुस्तान से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो जो हमारे देवताओं के देवता प्रधानमंत्री बन गए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, तो ये जो पूंजीपति हैं ये देश छोड़ के भाग क्यों रहे हैं, इन्हें भारत में ऐसा कौन सा डर सता रहा है, ये भारत में रहना नहीं चाह रहे हैं, कोई गरीब भागे तो सही है, लेकिन ये अरबपति खरबपति लोग ये देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? देश छोड़ के जा रहे हैं इसके दो कारण है।
पहली बात है कि भाई आपको इतने जो टैक्स में पैसे दिए जा रहे हैं उसके बदले में इन अरबपति खरबपति लोगों को मिल क्या रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही पुअर है इंडिया में। एक साफ पीने का पानी तो सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है, आपको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, ढंग की जो है शिक्षा आपके बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो ये लोग इन्होंने एक पैसा अर्न कर लिया है, अब वो अपने लिए एक बेहतर जीवन की जो है वो इच्छा रखते हैं, इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं। पहली चीज ये है। दूसरी जो है वो सरकार मनमाने तरीके से किसी को भी उठा लेती है। आप यदि पूंजीपतियों से बात करें तो वो बोलेंगे इतने कंप्लायंस बढ़ गए आज की डेट में धंधा चलाने में, और सरकार बात बात पे नोटिस फेंक देती है, बात बात पे आपको कोर्ट पे लेके चली जाती है, तो कौन ये सब झेलेगा, किसको अच्छा लग रहा है। देखिए ये इस बात को समझिए, मोदी सरकार की जो सबसे ज्यादा निंदा करने योग्य बात है वो ये है कि मोदी सरकार ये चाहती है इस देश के लाखों एमएसएमई सेक्टर और उसके मालिक जो है वो पूरी तरीके से डूब जाए, देश छोड़ के भाग जाए, और सिर्फ नेशनल चैंपियन 40-50 बड़े बड़े औद्योगिक घराने रहे, और ये 40-50 बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को ये अपनी मुट्ठी में करके इस देश पे शासन करते रहे। इसी को प्लूटोक्रेसी कहते हैं, यानी वेल्दी लोगों द्वारा शासन करना। नरेंद्र मोदी जो है, आप इस बात को समझिए, इन्होंने जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज किया पिछले 10 साल में, उसमें क्या हुआ है, उसमें यही हुआ है कि हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आप देखेंगे 2 या 3 बड़े प्लेयर्स आ गए हैं और बाकी सारे छोटे प्लेयर्स खत्म हो गए। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और अनऑर्गेनाइज प्लेयर कंप्लीटली जो है वो दे आर मिसिंग फ्रॉम द सीन, दे आर वैनिशिंग फ्रॉम द सीन। उनका मार्केट शेयर जो है बड़े बड़े प्लेयर्स खा जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं सब एमएसएमई के मालिक हैं, सब अपने अपने उद्योग धंधों पे ताला मार के कि भैया हमने कमा लिया जितना कमाना था, अब हम तो चले यहां से, क्योंकि हमको लिविंग स्टैंडर्ड ठीक मिल नहीं रहा है, हमको सरकार ने हद दर्जे तक परेशान कर दिया है, हमारे बच्चों का भविष्य इंडिया में हमें सुनहरा नजर नहीं आ रहा है, हमको अपना बुढ़ापा इंडिया में सुनहरा नजर नहीं आ रहा है, तो हम किसके लिए संघर्ष करें। यहाँ पे तो संघर्ष करने वाली अपोजिशन पार्टीज को भी खत्म किया जा रहा है, यहाँ पे तो न्यायपालिका के अंदर सेंध मारी जा रही है, यहाँ तो कार्यपालिका पूरी तरीके से गुजरात लॉबी के सामने सरेंडर हो चुकी है। तो कौन व्यक्ति है जो लड़ना चाहेगा, यहाँ रुकना चाहेगा, संघर्ष करना चाहेगा। लोग बोल रहे हैं कि भाई पलायन करो, मुझे अपने लाइफ में नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे अपने लाइफ को पॉजिटिव वर्क में फोकस करना है, मैं यहाँ रुक के ये सब झील झाल करने नहीं वाला। यही कारण है कि हम देख रहे हैं हर साल हजारों करोड़पति और अरबपति पूंजीपति इस देश को छोड़ के पलायन कर रहे हैं, इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, और ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, जो सबसे ज्यादा दिमाग वाला मैन पावर है आपके देश का, यदि वही छोड़ एक एक करके छोड़ के जाने लगे तो आप समझिए कि देश का भविष्य जो है वो अंधेरे की तरफ जाएगा, गर्त की तरफ जाएगा। जी संजय जी, मोदी जी तो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया भारत को पसंद कर रही है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं देवताओं के देवता, और आप कह रहे हैं कि यहाँ भविष्य नजर नहीं आ रहा, क्या मामला है। देखिए उस बात को समझिए, मैं आपको एक दो फिर नंबर्स देता हूँ। बड़ी बड़ी बातें अपने मुंह से कर देने में कुछ जाता है क्या, मतलब कुछ भी अपने बारे में बड़ा बड़ा बोल दो, इसमें कोई टैक्स तो लगा नहीं है भाई, कोई कुछ भी अपने बारे में बोल सकता है। इंडिया का पॉपुलेशन जो है 18% है वर्ल्ड के पॉपुलेशन, ठीक है, और इंडिया का वर्ल्ड के जो व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग जस्ट 3.5% और 3% ऑफ द टोटल ग्लोबल जीडीपी। वहीं दूसरी तरफ जो है हमारा एक्सपोर्ट तो उससे भी कम है, 2% के आसपास में, ठीक है। कंजम्पशन मार्केट की यदि हम बात करें तो हम मार्केट भी जो है, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है किंतु हमारा मार्केट बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास में अर्निंग नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो है इस देश की बहुत ज्यादा कम है। तो जो साइजेबल मार्केट जो है, जो एड्रेसेबल मार्केट जो है, भले इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो, 12 से 14 करोड़ जो पॉपुलेशन है टॉप 5%, वही पॉपुलेशन जो है इस देश में कंजम्पशन को सपोर्ट कर रही है, यानी 7 से 8 करोड़ ही जनता जो है वो इस देश के कंजम्पशन को सपोर्ट कर रही है। और यही वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई थी 4-5 महीने पहले,
जिसमें कहा गया था कि टॉप 1% जो है वो 21-22% इस देश का इनकम लेके जाते हैं और 42-44% वेल्थ के ऊपर में इस टॉप 1% पॉपुलेशन का कब्जा है। आप इस चीज को समझिए संजय जी, 2020 से लेके 2023 तक 6 करोड़ सिटी में काम करने वाले वर्कर जो हैं वो अपने अपने गांवों में लौटे हैं और एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में वो ऐड हुए 6 करोड़। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2015 तक 17% कंट्रीब्यूट करता था, वो 2015 से 2021-22 तक घटके सिर्फ 13% कंट्रीब्यूट करने लगा। जॉब जो है वो तो मैन्युफैक्चरिंग में ही होती है ना, तो यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका ये होगा सिमटेगा तो जॉब्स भी क्वाइट ऑब्वियस है कि वो सिमटेगी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डाटा है, जो मुझे जहां तक याद आ रहा है 45 लाख जॉब्स जहां क्रिएट होनी चाहिए थी वो मंथली घट के 29 लाख जॉब्स आ गई। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर में जो मेन जो गवर्नेंस का सिद्धांत होता है कि इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना, वही चीज मिसिंग है। आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, इस चीज का इतना ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन इस इलेक्शन में हुआ कि आप एक चीज को देखिए, जितने भी देश के पिछड़े हुए तबके थे, जैसे हमारे महाराष्ट्र में विदर्भा हो गया, मराठवाड़ा हो गया, आपके उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल हो गया, इन सारे क्षेत्रों में भाजपा ने कड़क चपेट पड़ी है, उसको मुंह की खाई है। और वहीं जो अर्बन सेंटर्स हैं, दिल्ली हो गया है ना, जयपुर हो गया, ये अर्बन सिटीज में जितने भी नेशनल स्टेट की कैपिटल्स हैं वहां पर जो है वहां पे भाजपा को जीत मिली है। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि अर्बन और रूरल का डिवाइड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रूरल एरिया में भयानक रूरल डिस्ट्रेस है। देखिए मैं तो मजाक में बोलता हूं संजय जी, इस इलेक्शन में जो सब बहुत बड़ी भूमिका जिसने निभाई है वो है 4PM। और उसका कारण आप समझिए क्या हुआ है, लोग ध्रुव राठी बोलते हैं, आपको मालूम है ध्रुव राठी के सबसे ज्यादा चैनल देखा जाता है दिल्ली में। और दिल्ली में क्या हुआ, सातों की सातों सीट पे इंडिया अलायंस का सुबड़ा साफ हो गया और भाजपा जीत गई। फिर ध्रुव राठी सबसे ज्यादा देखे जाते हैं बैंगलोर में, जहां आई टी इंजीनियर्स है, बैंगलोर में भी जो है भाजपा जीत के आई है। तो लोग ध्रुव राठी को देख तो रहे हैं पर उसके हिसाब से वोट नहीं कर रहे, वो एक एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक सिर्फ केंद्र बन के रह गए। परंतु संजय शर्मा का शो जो हर उत्तर प्रदेश के घर में देखा जाता है, आज उसी संजय शर्मा के 4PM ने और संजय शर्मा शो ने इस देश के अंदर में 43-44 सीट पे भाजपा को खदेड़ दिया। इस देश के अंदर में आज जो जनमत डेवलप हुआ है, आज जो बहुमत डेवलप हुआ है, उसके अंदर में संजय शर्मा और 4PM की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ी बहुत भूमिका हमारी भी है, हमने आके जो भी बोला है, परंतु संजय भैया आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आपके चैनल को जहां जहां देखा जाता है वहीं वहीं पे भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे यूट्यूबर जिनके नाम चलते हैं, आप देखिए यदि उनमें ध्रुव राठी को टेकी लोग देखते हैं, और ध्रुव राठी का अपना कोई नेचुरल रिपोर्टिंग नहीं है। ध्रुव राठी कुछ इंडियन एक्सप्रेस, कुछ इधर फोर्ब्स, कुछ फॉर्च्यून, कुछ ऐसे तमाम अलग अलग जगहों से छोटा छोटा हमारे जैसे पत्रकारों ने जो आर्टिकल्स लिखे हैं उनको कंपाइल करके प्रेजेंट कर, इसलिए उसका इम्पैक्ट नहीं है। पर द संजय शर्मा शो जो 4PM का, उसमें राजीव रंजन सिंह आके ओरिजिनल बातें बोलते हैं, संजय शर्मा के ओरिजिनल क्वेश्चंस है जो लोगों के दिमागों पे उसका असर पड़ता है। तो 4PM ने इस देश के जनमत को जो डेवलप किया है 2024 के इलेक्शन में, वो जो मैनिफेस्टेशन हुआ है, वो जो रूरल डिस्ट्रेस हुआ है, जो ये घुइया बदमाश लोग जो एग्जिट पोल करने वाले थे, जो दुबई में बसे हुए नानाजी देशमुख के रिलेटिव यशवंत देशमुख और जो प्रशांत किशोर पांडे वो पाड़े बाबा, जिनको हिडन अंडर करंट नजर नहीं आ रहा था, वो इसीलिए नहीं नजर आ रहा था क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस को देखने में, समझ पाने में ये लोग असमर्थ हुए और इनका कम्युनिकेशन कंप्लीटली अर्बन सेंटर्स तक रिस्ट्रिक्टेड होके रह गया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में आज की डेट में जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है कैसे रूरल डिस्ट्रेस को दूर करें, कैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता के जीवन स्तर को सुधारें, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, कैसे पॉलिसीज ऐसी निर्माण करें कि सिर्फ नेशनल चैंपियन अदानी और अंबानी ना बने बल्कि लाखों मध्यम और लघु दर्जे के उद्योग जो है वो इस देश में पनपे।
और अपोजिशन पार्टीज को यही फोकस करना है कि किसी भी तरीके से पॉलिसी फ्रंट पे इस सरकार को अब दाएं बाएं ना होने और प्लूटोक्रेसी क्रिएट ना करें। ये देश एक जस्ट देश चाहता है, एक न्याय वाला देश चाहता है, जहां पे आपके मेरे हम सभी लोगों के लिए समान अवसर है। जी संजय जी, बड़ी बात है। मैं मुझे याद आ गया, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, नाम लेना ठीक नहीं, मित्र है मेरे, वो मुझसे बोले कि एक दिन मैं तुम्हारा शो देख रहा था, तब तक कुछ और मेरे संगी साथी आ गए, तो उन्होंने 4 PM देख के कहा ये मत देखा करिए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई, जो हमारे क्रिटिसाइज करें हमें उनको भी देखना तो चाहिए, हम तो इससे देखते हैं कि क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोले नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा कि क्रिटिसाइज वाली बात, ये बोलते हैं ऐसा है कि इनकी बातें दिमाग पे असर करने लगती हैं धीरे धीरे, हमको लगता है कि बीजेपी गलत कर रही है। तो आप वही वाली बात आपने आज कही कि हाँ, यह है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत देखे जाते हैं, महाराष्ट्र में बहुत देखे जाते हैं, बाकी पूरी दुनिया में भी देखे जाते हैं, लेकिन और यही तो राज्य ने पूरे इलेक्शन पलट को दिया। उत्तर प्रदेश देखिए, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में आपको संजय जी बता सकता हूँ, मैं नागपुर में आजकल निकलता हूँ, लोग मुझे देख के बोलते हैं अरे भैया आपका आपका शो अभी देख के हम आए, लोग हाथ मिला रहे हैं, लोग ये कर रहे, मेरे बच्चे हंसने लगते मेरे ऊपर, छोटे छोटे बच्चे मेरे बोले पापा तुम तो सेलिब्रिटी बन गए। तो 4 PM का शो जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन पलटा है उसमें 4 PM और संजय भैया आपका बहुत बड़ा योगदान है, और हमको यही क्रांति चला के रखनी है। नहीं नहीं ठीक है, हम लोग जो सच होगा बोलते रहेंगे, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अपना ठेंगे से अपने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी प्यारी भरी बातें की आपने आज, बहुत मजा आया, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी, और हम बात कर रहे हैं कि देश के ऐसे हालात क्यों हैं कि देश के करोड़पति लोग देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की लच्छेदार बातें, उनके लुभावने भाषण, उनके भक्तों के, उनको देवताओं के देवता कहने वाली बातें अब थोड़ी हवा हवाई हो रही हैं, जमीनी हकीकत देखने को मिल रही है, तो फिर लोगों को डर लग रहा है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।